Hey Faye family, how are you guys doing? Well, we are doing great. And we hope you are doing great as well. Welcome to another video. So this video is not about our university, which is Kazakh Christian Medical University. This video is about the universities in Russia. So now the question arises that how do we know about the colleges in Russia? Because we are studying in Kazakhstan, how do we know about the colleges in Russia? So the answer is, we used to study in an institute when we were in class 11th and 12th. So our classmate took admission in different countries like Kyrgyzstan, Russia and many more. So we talked to them and we did a survey kind of thing. And we asked them several questions about their university and the food and everything, the environment. उनसे बात करने के बाद हमें पता चला कि कैसी वहाँ की फैकल्टी है, फैसिलिटीज़ है, और स्पेशली आप लोग रशिया के बारे में पूछ रहे थे तो हमने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बताएंगे टॉप 4 मेडिकल कॉलेजेस इन रशिया, विच आर ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज हम लोग इन चारों यूनिवर्सिटीज़ का ओवरव्यू देंगे आपको और हम बताने की कोशिश करेंगे यहाँ के प्रोज, किस यूनिवर्सिटी की क्या स्पेशलिटी है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी विल बी ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। हम कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो वो उसके रिजल्ट के बेसिस पे करेंगे फर्स्टली। तो किसी भी यूनिवर्सिटी का बेस्ट होना उसके FMG के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का 2022 का जो रेशियो था, पासिंग रेशियो, वो था 56.3%, विच इज़ वेरी हाई। और जो पासिंग परसेंटेज था वो था 31%, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ओरेनबर्ग अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं। अब बात आती है कि वहाँ पे हमें इंडिया जैसा खाना मिलेगा क्या, क्योंकि सबको ऐसे ही लगता है कि वहाँ पे रहना और सब कुछ मिल पाएगा। वहाँ पे एक नमस्ते इंडिया करके रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको इंडियन खाना मिलेगा। जो नमस्ते इंडिया है, जो इंडियन हॉस्टल्स हैं उनके काफ़ी पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप कभी भी जा सकते हैं, इतना दूर भी नहीं है। अगर आप ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जाने का सोच रहे हैं तो गो फॉर इट। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंडियन डॉक्टर्स और सर्जन्स टीचर हैं। सो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे कितना अच्छा एक्सपीरियंस देते होंगे वो लोग, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी होता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कैसे डील करना है इंडियन स्टूडेंट्स से। तो अगर आप वहाँ जाने का सोच रहे हैं तो डोंट थिंक ट्वाइस, जस्ट गो फॉर इट। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ओवरव्यू ऑफ बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो WHO से अप्रूव्ड है। बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड वैलिड है, तो आप कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं, बस एग्ज़ाम देना पड़ेगा किसी भी कंट्री का। ये बायलिंगुअल नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रशियन में पढ़ेंगे आधे साल, पूरी इंग्लिश मीडियम में। जो 5.8 ईयर्स का जो आपका कोर्स होगा वो पूरा इंग्लिश में होगा, तो इसकी भी चिंता नहीं है। तो अगर आप यहाँ जाने का सोच रहे तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जो समारा है वो बिग एंड ब्यूटीफुल सिटी है, तो अगर बिग है तो वहाँ पे पेशेंट आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा हॉस्पिटल्स में वहाँ के। तो आप अगर वहाँ जाने का सोच रहे तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के पेशेंट्स मिलेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड इफ यू आर विलिंग टू गो टू एनी ऑफ दीज कॉलेजेस इन रशिया देन यू कैन ऑलवेज कॉमेंट, वी विल हेल्प यू। और अगर कोई भी डाउट है तो भी आप कॉमेंट कर सकते हो, और अगर कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो भी आप कॉमेंट कर सकते हो, कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें या तो DM पे बता सकते हो या कॉमेंट करके बता सकते हो। तो आज का ये वीडियो देख के आपको रशिया के कॉलेजेस के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा होगा। So that's all for today's video. We hope you enjoyed it. Subscribe to our channel for more such videos. We hope you liked it. See you in the next video. Take care.